जो लोग बचपन से ही हिला हिला कर अपने जवानी का पानी झाड़ चुके हैं वे लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वरना अपनी बीवी को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। जिन लोगों ने बचपन से ही हिला हिला कर अपने आप को नामर्द बना लिया है, नपुंसक बना लिया है, अपने पूरे शरीर को खोखला कर दिया है, वे लोग बने रहिए हमारे साथ, वरना आपकी बीवी तो आप से शादी करेगी लेकिन गैर मर्द से ठुकवाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वीर्य को मक्खन जैसा गाढ़ा बना देगा ये आयुर्वेदिक शुक्रा प्लस पाउडर। घंटों तक संभोग करने के लिए इस औषधि का जरूर इस्तेमाल करें। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। जिन पुरुषों का औजार छोटा है उनकी बीवी लंबा औजार पसंद करती है, तो आप इस औषधि को लगाकर अपने औजार को लंबा और मोटा कर सकते हैं। इस औषधि को दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी खरीदें। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल करें। तो चलिए जाने, जो लोग नामर्द हैं, नपुंसक हैं, जो लोग शीघ्रपतन की समस्या से परेशान हैं, वे लोग हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, वरना नामर्द ही रहोगे। तो चलिए जाने, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप को पता ही है, लोग कम उम्र से ही हिलाना शुरू कर देते हैं। बचपन में ज्यादा जवानी का जोश रहता है, किसी को देखते ही टाइट हो जाता है तो बाजू में जाकर टुकियाने लगते हैं, हिला हिला कर अपने वीर्य का नाश करते हैं। फिर जब उनको ठुकाई करने का मौका मिलता है तब तक वे नामर्द और नपुंसक हो जाते हैं। बीवी के पास जाते हैं तो लिंग खड़ा ही नहीं होता। ऐसे लोग इस औषधि का इस्तेमाल करें। इस औषधि को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता है। आपको सबसे पहली जामुन के बीज की गिरी। आप जामुन के बीज को जो छीलेंगे तो उसके अंदर से हरी हरी उसकी गिरी निकलती है, उसी गिरी को आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है और 50 ग्राम की मात्रा में आपको शहद ले लेना है। प्रतिदिन सुबह खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने के बाद 4 लहसुन की कलियां लेनी है, उसे छीलना है, कूट कर उसकी चटनी बनानी है। उस पर 1 चम्मच की मात्रा में जामुन के बीज की गिरी का चूर्ण, 1 चम्मच की मात्रा में शहद मिलाकर इसे चाट जाएं। आपके नस नस में जोश आएगा, ताकत आएगी, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाय बाय फ्रेंड।